डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी हमेशा से दिवाली के मौके पर ही रिलीज होती रही है। सीरीज की चारों फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, जबकि बिना बोले ही तुषार कपूर इन फिल्मों की जान बने हैं। एक गूंगे इंसान के किरदार में उनकी कॉमेडी ने कमाल किया है। बहरहाल जब तुषार कपूर से पूछा गया कि गोलमाल 5 को लेकर क्या जानकारी है, फिल्म कब रिलीज होगी और इसकी क्या कहानी होगी, तो उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। आप भी सुनिए, देखिए और गाइए गोलमाल गोलमाल गोलमाल। आज ठीक 10 साल हो गए, आज हम बैठे हैं और ठीक 10वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं गोलमाल के तीसरे भाग को, और गोलमाल रिटर्न्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 साल, 4 दिन, हाँ 4 दिन ज्यादा हो गए, मतलब वो हुई थी 29 अक्टूबर को और आज हम 6 तारीख को बैठे हैं। तो आपकी दो फिल्में अगर 4 दिनों का गैप वो कर लें तो एक दशक सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3। और गोलमाल अगेन भी दिवाली की टाइम पे आई थी, फोर्थ गोलमाल, वो 2017 में वो भी दिवाली में आई थी, लेकिन 20 अक्टूबर को। हाँ तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आज 5 तारीख है, आज 6 तारीख है और 5 तारीख को मतलब पूरे हो गए 10 साल गोलमाल 3 को। तो आप, मैंने इसके एक्टर के बारे में या उस समय की कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हम लोगों ने आपके इंटरव्यूज किए थे तो उस समय बहुत सारी बातें की थी, लेकिन मेरे को आज ये जानना है कि वो जो कैरेक्टर आपका था, जो बोल नहीं पाता है या बोलता है तो क्योंकि वो मूक बकीर है, तो उसको आपने कितना बनाया था और रोहित ने क्या लिखा था उस कैरेक्टर को और आपने कितने चेंजेस कितने इनपुट्स दिए थे उसमें? रोहित जी ने तो नीरज वोरा जी के साथ कैरेक्टर को एक म्यूट कैरेक्टर बनाई था कि वो बोल नहीं सकता है, तो वो साइन लैंग्वेज, क्योंकि वो बोलता नहीं है सुनता भी नहीं है, तो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपना कम्युनिकेशन करता है। लेकिन फिर मैंने जब रिहर्सल शुरू की एक टीचर के साथ, तो हमने डिसाइड किया कि क्योंकि वो सुन सकता है, हम उसे ऐसा बनाएंगे कि वो सुन सकता है और इसलिए वो आवाजें निकाल सकेगा, और साइन लैंग्वेज आ गया था फिल्मों में तब तक, तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ अलग अंदाज में एक गूंगे को इनैक्ट करवाएंगे जिसमें वो बोलेगा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बोल सकेगा और अपने हैंड्स जेस्टर्स को यूज कर सकेगा, अपनी आवाज को यूज कर सकेगा और अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज कर सकेगा, तो सिर्फ साइन लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तब तक मतलब फिल्मों में आ गया था। तो हमने एक अलग ट्रैक पकड़ने की सोची, लेकिन रोहित ने बहुत सराहा, बहुत इंकरेज किया, उन्होंने एक रिहर्सल देखी, उन्होंने कहा कि हाँ जी मुझे ऐसा ही चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा मतलब फिल्मों के हिसाब से करो क्योंकि थिएटर के हिसाब से थोड़ा कभी कभी लाउड होता है, तो आप लोग सिनेमा के तौर पर करना है इसे। तो हम लोग ने उनकी बहुत अच्छी डायरेक्शनल जो सजेशंस थी उन पर नजर रखकर हमने रिहर्सल की और फिर जाकर इस कैरेक्टर को सेट पर इनैक्ट किया। एक तो नीरज जी से याद आया, अब नीरज जी भी हमारे बीच नहीं है और उस फिल्म को उन्होंने उस समय लिखा था। आपको जब पहली बार आप लोग शूट कर रहे थे, आपको लगा था इस फिल्म की इतनी सीरीज बनेगी? अभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि कहानी सुन रहे हैं आप लोग अगले भाग की? हाँ, यस, गोलमाल तो बार बार वापस आई ही है, हर बार एक अलग अंदाज में, एक बड़े अंदाज में। इस बार भी मैंने सुना है कि कहानी तो लिखी जा रही है, कब बनेगी ये पता नहीं है, अनाउंस भी हो गई है गोलमाल 5, एक दिन तो बनेगी, पता नहीं कौन से साल, 21 में हो या 22 में हो, वो मुझे पता नहीं है। इसका जवाब आई थिंक रोहित आपको दे सकेंगे।